A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zmexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में. तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं पास्टोरलिज्म इन इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. अगर आपको कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है. टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि भाई नोमैड्स कौन होते हैं, पास्टोरलिस्ट कौन होते हैं, उनके बारे में बात किया था. हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं. हमने गुज्जर बकरवाल्स की बात करी, हमने गुज्जर कुमाऊं में रहने वाले लोगों की बात की, हमने बात किया कि वो किस तरीके से गद्दीज़ की बात किया, हम किस तरीके से वो सीज़न के अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट शो किया करते थे. विंटर में कहीं और रहते हैं, समर में कहीं और रहते हैं, अपने साथ एक बहुत बड़ा हर्ड रखा करते थे जानवरों का और अलग अलग जगहों पे घूमते थे ताकि उनके जानवरों को खाने के लिए घास मिल पाए, राइट. तो ये सारी हमने बातें की थी. हमने बहुत सारी ट्राइब्स के नाम देखे थे, भूतिया, शेरपास, किन्नौरीज, हमने बात किया था. ये सारी तो थी माउंटेन्स की ट्राइब. हमने प्लेन एरियाज़ में जो जो ट्राइब रहती हैं, ढांगर, इन सब के बारे में भी बात किया था. गोलास, कुरुमास, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था. राजस्थान के रायकास के बारे में बात किया. फिर हमने बात किया था कि कॉलोनियल रूल जब आ जाता है तो किस तरीके से इन पास्टोरलिस्ट की लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं, नए नए रूल आ जाते हैं, नए नए एक्ट्स लगा दिए जाते हैं. फॉरेस्ट एक्ट की बात किया, वेस्ट लैंड रूल की बात किया और हमने बात किया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक डिमीनिंग एक्ट है, राइट. किसी ट्राइब को आप जो है क्रिमिनल बोल रहे हैं बाय बर्थ. तो इस तरीके के एक्ट्स के बारे में हमने बात किया. हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल लोग हैं, जो नोमैड्स हैं, उनकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, राइट. अब हम बात करने जा रहे हैं, ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे बड़े बड़े पास्चर लैंड्स हैं, वहाँ पे भी इस तरीके के कम्युनिटी रहते हैं, जैसे कि बिदुइंस, बेरबर्स, मसाई, सोमाली, बुरान, तुर्कान, ये बहुत सारे कुछ कम्युनिटीज़ के नाम है. बिदुइंस एंड मसाई, दीज आर वेरी फेमस. सो ये इनके पास भी क्या होता है, इनके पास कैटल्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, गोट्स, शीप, डोंकी, ये सब जानवर रखते हैं अपने पास. ये सेल करते हैं उनके मिल्क को, मीट को, एनिमल स्किन, वूल, जो भी उनको उससे मिलता है उससे उसको सेल करते हैं. तो ये अपने जानवरों के लिए पास्टर्स की तलाश में इधर उधर घूमते भी है, ठीक है. तो मसाई अगर हम ट्राइब की बात करें तो वहाँ की एक मसाई जो है ट्रेडिशनली नोमैडिक पास्टरल कम्युनिटी है वहाँ की, जो कि अपने एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, राइट. तो वो क्या करती है, मिल्क के लिए, मीट के लिए, ब्लड के लिए, उन सब चीज़ों के लिए अपने एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होती है. तो हाई टेम्परेचर कंबाइंड विद लो रेनफॉल क्रिएट कंडीशन विच आर ड्राई, डस्टी एंड एक्सट्रीमली हॉट. तो ये इस तरीके की ड्राई, डस्टी और एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं, राइट. तो ये वाला आप पोर्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको ये वाली ट्राइब जो है मसाई का एरिया आपको मिलेगा. तो ये आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बेरबर्स है या बिदुइंस है, यहाँ पे ये वाला ट्राइबल एरिया, ये वाला जो एरिया है जो कि आपको इधर दिखाया गया, ये वाला एरिया, यहाँ के अंदर आपको मसाई मिलेंगी, राइट. राइट, तो ये सब जगह जो है यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ रह रही है. तो अब क्या होता है, लेट एंड 19th सेंचुरी में यूरोपियन पावर जो होती है वो डिवाइड कर देती है रीजन को इनटू डिफरेंट कॉलोनीज. आप देखेंगे अगर अफ्रीका का मैप तो आपको देखिए इसमें एकदम स्केल से खिंची हुई लाइन मिलेंगी. तो इन्होंने क्या किया था, जब कॉलोनियल पावर्स थी इन्होंने बैठ के मैप बना के उसको डिवाइड कर दिया था. इन्होंने ये बिल्कुल देखने की कोशिश नहीं की कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे से देखने की कोशिश नहीं की. तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया. तो 1885 में जो मसाई लैंड होती है उसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, ब्रिटिश केन्या और जर्मन टंगानिया, टंगानिया का, राइट. तो बेस्ट ग्रेजिंग जो लैंड है वो वाइट सेटलर्स के पास चली जाती है. मसाई जो होते हैं उनकी 60% लैंड जो है लॉस्ट हो जाती है. तो मसाई ट्राइब जो थी अपने जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह. कॉलोनियल पावर्स ने उनकी लैंड को डिवाइड कर दिया है. कुछ लैंड जो है वाइट कॉलोनियल लिस्ट के पास चली गई है, कुछ लैंड जो है 40% सिर्फ मसाई के पास बची है. तो मसाई जो होते हैं वो उनको पुश कर दिया जाता है स्मॉल एरिया इन साउथ केन्या एंड तंजानिया. तो अब क्या है, अब उनका जो वो अपने हर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने कैटल के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर आपने उनको एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उनके जो हर्ड होगा उसके लिए कम पड़ जाएगी ज़मीन, सेम प्रॉब्लम. तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है, कॉलोनियल गवर्नमेंट है इन ईस्ट अफ्रीका एनकरेजेज लोकल पीजेंट कम्युनिटी टू एक्सपैंड कल्टीवेशन. सेम चल रहा है जैसा इंडिया में था. लोकल जो पीजेंट्स हैं उनको बोला जाता है कि भाई आप जो ज़्यादा लैंड में कल्टीवेशन करो, उसको ऐसे फैलो ना, मत पड़ा रहने दो कि वो पास्चर्स की तरह यूज़ हो. ज़्यादा से ज़्यादा लैंड में आप कोई अच्छी क्रॉप्स लगाने की कोशिश करो. तो पास्चर जो लैंड थी उसको यहाँ पे भी कल्टीवेटेड फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, सिमिलरली जैसे इंडिया में किया जा रहा था. तो जो बहुत बड़े बड़े ग्रेजिंग फील्ड्स थे
उनको कर दिया गया टर्न इनटू रिजर्व्स। तो मसाई मारा एंड सांबुरु नेशनल पार्क जो है केन्या में, मसाई मारा इज़ वेरी वेरी फेमस, ठीक है, तो उनको जो है रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, जिस तरीके से इंडिया में किया जा रहा था। सेरेंगेटी पार्क जो है तंजानिया में, इस तरीके से जो नेशनल पार्क्स बना दिए गए, जस्ट लाइक इंडिया, बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया, उनको नेशनल पार्क बना दिया गया। पाशरलिस्ट जो है उनको अलाउड नहीं था उन पार्क्स के अंदर अब जाना, राइट। तो मसाई की लाइफ कैसे अफेक्टेड होती है, वो अपनी फाइनेस्ट ग्रेजिंग फील्ड उनका लूज हो गया, पाश्चर्स जो है उनके स्मॉल एरिया में रह गए, कंटिन्यूस ग्रेजिंग से वो छोटे जो पाश्चर्स जो स्मॉल एरिया में थे वो ख़राब होना शुरू हो गए, शॉर्ट सप्लाई हो गई उनके पास भी, और उनके जानवरों की हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मसाई जो होते हैं उनको कट ऑफ कर दिया गया है बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड से, अब उनको छोटे से एरिया में रह रहे हैं तो बहुत ड्राउट प्रोन एरिया है जिसमें वो रह रहे हैं, रेन्स के ऊपर वो जो है रेन्स वैन जब रेन फेल हो जाएगी तो फिर उनकी जो वहाँ पे जो घास लगती है क्रॉप्स लगती है वो भी फेल हो जाएंगी, वो शिफ्ट भी नहीं कर सकते, पहले वो बहुत सारी लैंड में चले जाते थे लेकिन अब जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो 1933 से 34 के बीच में ड्रॉट ईयर अब यहाँ पे देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ मसाई कैटल जिसमें मारे जाते हैं, और मसाई कम्युनिटी के अगर उनके कैटल मारे जा रहे हैं तो वो पूरी तरह उसी पर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मसाई सोसाइटी के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, ये सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था आपको जैसे फॉर इंटरेस्ट यू शुड नो, मसाई जो सोसाइटी होती है उसके अंदर एल्डर्स होते हैं वॉरियर्स होते हैं, तो एल्डर्स जो होते हैं वो एज में बड़े लोग हैं, वॉरियर्स यंग लोग हैं जिनको वॉरियर ट्रेनिंग दी जाएगी, वो अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके की है यहाँ पे आपको दिखाया गया है चीफ, यहाँ पे दो तरीके के आपको मिलेंगे, चीफ वेल्दी पास्टरलिस्ट मिलेंगे जो कि लिव्ड इन टाउन, हैड बोथ पास्टर्स एंड नॉन पास्टर इनकम, bought animal and goods and land, lent money to the poor, survive in devastation of war and drought. जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, वार हो जाएगी या सूखा पड़ जाएगा तो सर्वाइव कर लेते थे वेल्दी वाले पाश्चरलिस्ट। अब दूसरी तरफ थे पुअर वाले पाश्चरलिस्ट, वो पूरी तरीके से अपने लाइफ स्टॉक पर डिपेंडेंट है, अगर मान लीजिए बारिश नहीं आती है, क्रॉप फेल करती है तो उनके जो है कैटल्स मारे जाएंगे, उनके कैटल्स मारे जाएंगे तो इन टर्न उनको भी सारी की सारी दिक्कतें प्रॉब्लम फेस होंगी, तो बहुत सारे लोग जो है टाउन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं अपना पास्चर वाला काम छोड़कर। तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। आप ये देखिए मसाई ट्राइब के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, वॉरियर लोग हैं, कैसे इन्होंने बड़े बड़े स्वॉर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, किस तरीके के इन्होंने मेकअप किया हुआ है। तो ये मसाई ट्राइब के लोग हैं, बॉर्डर्स क्लोज कर दिए जाते हैं 19th सेंचुरी में, पाश्चरलिस्ट जो हैं वो दूसरी जगह पर नहीं घूम सकते। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे डिफ़िकल्टी जो है अफ्रीका में भी आपको देखने को मिलेगी पाश्चरलिस्ट की लाइफ में। काउको लैंड हर्डर्स, नामीबिया में काउको लैंड हर्डर्स हैं, वो क्या करते हैं ट्रेडिशनली मूव बिटवीन काउको लैंड एंड ओवाम्बो लैंड, ये भी स्किन मीट ये सब सेल करते हैं एनिमल प्रोड्यूस का, तो सेम प्रॉब्लम्स जो है इनको भी देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन में अगर आप बात करते हैं तो कंक्लूजन में यही है कि जो नोमैडिक पास्टरल कम्युनिटी थी, चाहे वो इंडिया की बात करो या अफ्रीका की बात करो, दोनों ही जगह पे क्या है कॉलोनियल रूल चल रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलोनियल रूल आने के वजह से उन्होंने अलग अलग लॉज बना दिए हैं, फॉरेस्ट को उठा के रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, पाश्चरल लैंड्स को जो है लोगों को दे दिया सेटल कल्टीवेशन करने के लिए, पाश्चर्स जो थे उनको स्मॉल एंड स्मॉल कर दिया गया, जो लोग उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे ट्रेडिशनली उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। इंडिया के अंदर तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को भी लाया गया। तो इस तरीके की चीज़ हो रही है जिसकी वजह से पाश्चर्स जो नोमैड्स हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, उनके लार्ज नंबर में कैटल मारे गए थे और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमने समझने की कोशिश किया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन दो पार्ट्स में, पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने यही समझा है कि किस तरीके से पाश्चर्स और हर्डर कम्युनिटीज़ जो है उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए थे। तो हम अलग अलग सेक्शंस जो हैं चैप्टर इसी तरीके से दिए हुए हैं एनसीईआरटी में कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनकी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस आ रहे थे उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज एन ईजी चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।